फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10। चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स और हम थ्योरम 6.7 पे आ गए हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये जो थ्योरम 6.7 है और थ्योरम 6.8, ठीक है, पाइथागोरस है या मतलब उसका कन्वर्स है या जो भी इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरम्स करेंगे हम, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो थ्योरम हम अभी करने जा रहे हैं इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। थ्योरम वैसे वहां पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। थ्योरम गोज लाइक दिस, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो देखते हैं किसका डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ए बी सी, आई शुड राइट लाइक दिस, बेटर रहेगा। ठीक है, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ जाएगा, जस्ट कंफर्टेबिलिटी लेवल है मेरा, और एंगल बी जो है वो मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो थ्योरम में बोला गया है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज। हमें पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ओपोजिट टू 90 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, देन द राइट एंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर इज सॉरी द राइट ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू दी ईच अदर। तो हम ये देख लेते हैं कि अब ये हमसे चाहता क्या है। ठीक है, सो हमारे पास है गिवन में, बहुत ही आराम से करेंगे, कुछ भी हमें जल्दी नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी राइट एट बी, ये हो गया, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम बी इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। ठीक है, दैट इज, ये हम करेंगे कि बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये हमारे पास एक प्रूफ है, गिवन है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में देखिए, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इसके हिसाब से ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूव करना मुझे। फिर मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए मैंने बी क्यों रखा था बीच में, क्योंकि ये देखिए डी पे 90 डिग्री आ रहा है और बी पे भी 90 डिग्री आ रहा है, सो सिमेट्री ठीक हो जाती है और लिखने में आसानी हो जाती है। और थर्ड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। यस, ठीक है, ए डी सी नहीं, आई एम सॉरी, बी डी सी, बी डी सी, और यहां भी मुझे बी डी सी लिखना चाहिए क्योंकि फिगर में देख लेते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, एंड देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करें शुरू काम, लेकर प्रभु का नाम। ओके, लेट्स सी, प्रूफ आ जाएगा हमारे पास। प्रूफ क्या आ जाएगा इन चीजों का वो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, डी बीच में है, बी बीच में है, तो मैं लिख सकता हूं, पहले मैं लिख दूंगा इसको थोड़ा सा, यस,
इसको मैं अब लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। देयर फोर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ये हो गया। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट। ये इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, अब इसको इक्वेशन टू दे देते हैं। इक्वेशन या नंबरिंग कुछ भी आप कह लीजिए। इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन आ जाएगा और एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ईच 90 डिग्री। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। Therefore, triangle BDC is similar to triangle ABC by again angle-angle rule of similarity. ठीक है जी। तो ये चीज भी आपके हिसाब से ठीक होनी चाहिए। अब हम ध्यान दीजिएगा, यहां से हम करते हैं from वन एंड टू। देखिएगा कि अगर ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है इस ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है बड़ी ट्राइंगल के, तो फिर ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो गई। अच्छा, ये तो चलिए एक बात होती ही है, इसके ऊपर और भी बात होगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। However, यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास एक रूल है, कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है। देखिए ना कि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे आपस में। इसी तरह से अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे आपस में। राइट, या दैट इज देयर ऑफ कोर्स। तो अब हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में। हाउएवर, ठीक है, यहां पे हमें लिखना चाहिए कि इफ वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्राइंगल देन फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे आप लिख भी सकते हैं इफ फर्स्ट ट्राइंगल, क्योंकि हम थ्योरम कर रहे हैं इसलिए बेटर है कि हम जितनी चीजें लिख दें। इफ फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द सेकेंड ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्राइंगल देन फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्राइंगल। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए।
therefore triangle ADB is similar to triangle CDB या BDC कुछ भी लिख सकते हैं. Hence it is proved. I hope that's clear to you. अब चलते हैं हम अपनी अगली जी आ गए हैं हम अपनी थ्योरम नंबर 6.8 पे. थ्योरम नंबर 6.8 को पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है और वैसे इसकी स्टेटमेंट है कि इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो ये थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत अनगिनत बार आई हुई है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको प्रॉपरली इसको समझना चाहिए. और दूसरी बात यह है आसान भी बहुत है, क्योंकि जो हम पहली थ्योरम करके आए 6.7 ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका है. इसीलिए मैंने ये सॉल्व की है और जस्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे किया गया है. ट्राइंगल एबीसी है, राइट एट बी गिवन में मैंने लिखा भी है, ठीक है. फिर टू प्रूव में जो हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द आइदर टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है. फिर हमने इसके बाद कंस्ट्रक्शन की है कि मैंने बी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी. फिगर आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए क्योंकि आपको काफी जरूरत पड़ेगी. अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की ओर, ठीक है. प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी. यहां पे मैं आपको एक बात का ध्यान दिलवाना जरूरी समझता हूं और वो ये है कि अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि मैंने ट्राइंगल्स के नाम किस तरह से लिखे हैं तो आपको जब इस बात में तंगी रहेगी जब आप खुद सॉल्व करेंगे. तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा. इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. फिगर को साथ साथ में रेफर करते जाइएगा, ठीक है. कॉमन एंगल है और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री. उसके बाद आ जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल रूल लगा और सिमिलर हो गई. ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी. उसके बाद मैं लिखूंगा ए डी अपॉन ए बी. यहां से आपको ध्यान देना है क्योंकि मुझे, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ए बी स्क्वायर चाहिए, मुझे यहां पे ए बी स्क्वायर चाहिए. तो ए बी स्क्वायर में मैं, ये एक ट्राइंगल है और ये सिमिलर है इस ट्राइंगल के. अब आप ये देखिएगा कि मैं ए बी स्क्वायर लेके कैसे आता हूं और ये सिमिलैरिटी जो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं इन्हें लिखना कैसे है. सबसे पहले मैं लिखूंगा ए डी छोटे ट्राइंगल की एक साइड, इसी प्रोपोर्शन में लिखूंगा मैं ए बी. देखिए ए डी अपॉन ए बी लिखा गया. फिर मैं लिखूंगा ए बी, ये देखिए ए बी छोटे ट्राइंगल की ही वो साइड है, ठीक है, ए बी लिखा गया. और इसी प्रोपोर्शन में मैं लिखूंगा ये चीज ए सी, ये देखिए. अब इनको करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी स्क्वायर हो गया ए डी इंटू ए सी हो गया. यही चीज बस समझनी है आपको. अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी सी एंड ए बी सी. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल. एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री. एंगल बी डी, ट्राइंगल बी डी सी, देयर फोर ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. क्यों, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी. उसके बाद दोबारा से वही बात करेंगे हम, क्योंकि हमें इस बार चाहिए क्या, बी सी, ठीक है. तो मैंने ये लिखा, ध्यान दीजिएगा, BC अपॉन AC आएगा, ठीक है. और उसके बाद मैं लिखूंगा DC अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, BC आ जाएगा. ऐसा किया ही क्यों गया, ध्यान दीजिए यहां पे BC है तो यहां पे BC आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है और यहां पे एक ही BC है. तो मैंने लिखा BC और यहां पे आ गया ऑटोमेटिकली AC. फिर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा BC, ठीक है, ये BC और फिर मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा DC. बस यही एक चीज आपको समझनी है. तो यहां पे आप लिख भी देंगे जैसे ऊपर लिखा था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपने लिख दिया. उसके बाद
मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ठीक है, ये सेकंड हो गया, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए तो मैंने एडिंग वन एंड टू कर लिया। वहां पे आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी भाई साहब आ गए कॉमन, तो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। आप फिगर में देखिएगा, ए डी प्लस डी सी मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। वही काम हमने यहां पे किया भी है, ये देखिए ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर बन गया। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, और इसके बाद आपने पूरी की पूरी थ्योरम लिखनी है। हाउएवर एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, काफी सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है। ये जो थ्योरम है, एक इंडियन मैथमेटिशियन, ऑफकोर्स ये थ्योरम पाइथागोरस ने ही दी थी, लेकिन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे बोधियान, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने, ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं यूज नहीं होगी, जस्ट आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक रेक्टेंगल कैसे बनता है एक राइट ट्राइंगल से। ये देखिए, मान लीजिए ऐसे करके हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ही अपने आप को प्रोड्यूस कर लेगा अगर मैं ये जो साइड है ऐसे खींच लूं और ये जो साइड है ऐसे खींच लूं, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल कैसे बनता है, राइट ट्राइंगल से बनता है। तो शायद मिस्टर बोधियान जो मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनके दिमाग में ये चीज थी, ठीक है, लेकिन पाइथागोरस ने इसको रिफाइन करके ही आगे दिया है, दैट इज वाई दिस थ्योरम इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि ये थ्योरम एक्चुअल में पहले ही आ गई थी बाय बोधियान, और कुछ लोग इसे बोधियान थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जानी जाती है। अब हम करेंगे थ्योरम 6.9, लेट अस सी। चलिए जी, हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, और शायद इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 6.9। इट गोज लाइक दिस, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी बोला जाता है, जब आप इसकी रीजनिंग लगाएंगे क्वेश्चन में तो आप सिंपल लिखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसे प्रूव कैसे करना है ये देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, देखेंगे एक राइट ट्राइंगल गिवन है एबीसी, ठीक है, तो गिवन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लिख लीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एट बी, ये मिस हो गया था मेरे से, ठीक है, तो ये चीज आप क्लियरली लिख लीजिएगा। हाउएवर रिक्वायर टू प्रूव क्या है, ओ राइट एट बी, यही तो प्रूव करना है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रिक्वायर टू प्रूव क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये जस्ट मिस्टेक थी, सो काइंडली इग्नोर दिस। हाउएवर कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे अब, क्योंकि इस तरह की थ्योरम को बिना कंस्ट्रक्शन के तो प्रूव किया नहीं जा सकता। अब आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये क्यू है, ये आर है, ये पी है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव के लिए है, ये गिवन नहीं है, सो ध्यान रखिएगा इसका, बी जो है ये गिवन नहीं है, अगर आप चाहें भी तो इसे हटा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग।
हाउएवर कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एट क्यू राइट एट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ये हो गया है ठीक है। सो आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। अब आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ आ जाएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम बहुत ध्यान से देखिएगा कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। अच्छा जी नाउ सिंस लिख लेंगे सिंस पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ये चीज क्या है बाय कंस्ट्रक्शन ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा देयर फोर पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा वन ठीक है। ऑल्सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर ये था गिवन ठीक है। ये गिवन है तो सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम वन एंड टू पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर ये भी हो गया हमारे पास। इससे क्या आएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा ये भी ठीक है। इसको आप इक्वेशन तीन दे लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ध्यान से देखिएगा ए सी इज इक्वल टू पी आर फ्रॉम इक्वेशन थ्री ये हो गया। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है जी। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एंड आर ठीक है बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये आपको समझ आ गया होगा ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहां से देखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्यों सीपीसीटी सीपीसीटी से फिर आ गया देयरफॉर
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बिकॉज एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री तो सो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, और आप इसके नीचे पूरी थ्योरम भी लिख सकते हैं कि हेंस इट इज प्रूव्ड दैट फलाना ढिमका जो भी है. तो यहां से हमारी ये भी थ्योरम प्रूफ हो गई है. कोई मुश्किल नहीं है पर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से कीजिएगा. ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, तो ताकि आपको 6.5 कैसे करनी है उसका आइडिया मिल सके. ठीक है, वो करेंगे हम अपने पार्ट टू वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ लाइफ. बाय बाय.